ये देखना रेडी हो चुकी है हमारी बिरयानी, ये थी शक्ल है। ठीक है, इंग्रेडिएंट्स ले लीजिए। इसमें ऑयल लेंगे हम 1 कप, तेज पत्ता लेंगे हम 2, या आप 3 भी कर सकते हैं, 2 से 3 अदद, जीरा 1 चम्मच, चाय के चम्मच लेंगे तो हम 2 चाय चम्मच, खाने के 1 टेबल स्पून 1 लेंगे, बाजानी फूल 3, लौंग लेंगे 7 से 8, छोटी इलायची 3 अदद, और काली मिर्च 7-8 ले सकते हैं आप, दालचीनी के 2 बड़े पीस या ये 1.5 पीस ले सकते हैं, 1 अदद शान मसाला ताशे। शान मसाला हम पूरा नहीं डालेंगे, हम हाफ भी डाल सकते हैं, इससे खुशबू के लिए होता है और इतना वो जरूरत नहीं होती, लेकिन जो बारीक जो चीजें होती हैं, जो छोटी मोटी चीजें जो हम नहीं डालते हैं, वो इसमें वो खुशबू से ऐड हो जाती हैं। टमाटर हम 4 अदद लेंगे, अदरक लहसुन 2 चम्मच, ब्राउन प्याज 1 टेबल स्पून 2 टेबल स्पून, और पिसी हुई प्याज भी लेंगे हम 2 से 3 अदद, और दही लेंगे हम 1 प्याज लेंगे। देखिए हमने देगची में ऑयल डाल दिया है और हम इसका चूल्हा ऑन करेंगे ताकि ये गर्म हो जाए। अब हम इसमें ये सारा मसाला जात इसमें डाल देंगे। अब हम इसमें ये सारा मसाला जात इसमें डाल देंगे। अब इसमें अदरक लहसुन हम डाल देंगे। गोश्त हम लेंगे 1 किलो, चिकन का गोश्त 1 किलो हम लेंगे। देखिए इसका रंग चेंज हो गया है, अब ये इसको हम निकाली लाइटी फ्राई हो गई है, अब हम इसको 1 प्लेट के अंदर हम निकाल लेंगे। तो लेते हाथ से हम ऑयल वॉइल सब निकाल के हम निकाल देंगे इसको, ताकि कुछ ना निकले, और हम जल्दी जल्दी, और हम हमारे पास पीछे की जो प्याज होगी हम इसको ऐड कर देंगे इसके अंदर। ये देखें किसी भी प्याज है हम इसमें ऐड कर, किसी भी प्याज 2 से 3 ले सकते हैं, कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं, अगर छोटी भर भी जाए तब भी कोई बात नहीं। इससे बता हम टमाटर 3 से 4 लेंगे, इसे बारीक बारीक काट लीजिए ताकि हम इसे जलाएंगे। और अगर आपको ये लग रहा है कि टमाटर बहुत महंगे हैं आप नहीं डाल सकते, तो आप इसकी जगह आप दही की लिमिट बढ़ा दीजिए, और अगर दही नहीं बढ़ा सकते तो आप इमली का पानी थोड़ा सा डाल सकते हैं, दही जब बढ़ा दीजिए, अगर दही भी महंगा लग रहा है तो थोड़ा सा इमली का पानी भरा दीजिए। ये देखिए हम इसमें डाल देंगे और ऐसे कर लेंगे, आपकी मर्जी, आप बिल्कुल उसको भून लें आप प्याज को, या फिर आप ऐसे भी डाल देंगे तभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए हम इसमें पानी था मैं तो डाल दें, कोई बात नहीं, एक साथ मिक्स हो सकते हैं, कोई बात नहीं। चम्मच लेंगे हम कुटी हुई मिर्चें 1 चम्मच लेंगे, या आपके ऊपर स्पाइसी के ऊपर है आप कितनी यूज करते हैं, इसे मैं 1 लेती हूँ। ठीक है, किसी भी मिर्चें 1 चम्मच, 1 चम्मच टेबल स्पून लीजिएगा, 1 और चम्मच, ठीक है, पिसा हुआ धनिया, एक चम्मच, अगर आपको ज्यादा लगता है तो आप 1.5 चम्मच डाल, ठीक है, टेबल स्पून नमक आप हल्दी जायका ले दीजिएगा। नमक हाँ मसाले के अंदर थोड़ा तेज होना चाहिए, ठीक है, हल्दी 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, दही और ब्राउन प्याज को हमने मिक्स कर लिया है अच्छे से, हम मिक्सिंग करेंगे इसे, और इसी के अंदर हम अपना जो मसाला है हमारा ये वाला हम इसी के अंदर ऐड कर देंगे। ठीक है, आप इसके अंदर सौंफ और धनिया का पेस्ट, यानी कि मैंने उसको मिक्सिंग किया हुआ है, मिक्स लिया है, इसको आप डाल सकते हैं, आप चाहें 1.5 चम्मच आप आसानी डाल सकते हैं, इससे ज़रा खुशबू ज़रा एक्स्ट्रा में भर जाती है।
अब हम इसमें रायता और ये आधा बॉल हम इसके अंदर मिक्स कर देंगे, मसाले के अंदर ही हम मिक्स कर देंगे अच्छे से। हम इसे इसके अंदर हमने इसके अंदर दही ऐड कर दिया, हम इसे अच्छे से भूनेंगे कि इसका ऑयल जो है बहुत ज़्यादा ऊपर आ जाए इसका सही से। फिर हम इसमें चिकन डाल अच्छे से हम इसे अब भूनेंगे। थोड़ा सा आपको अगर दही आपने डाला है तो आपको अगर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही तो आप थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। तो उसके बाद हम ये हमारा मसाला अच्छे से भून गया है, अब हम इसमें चिकन डाल देंगे, हमारा ये सारा चिकन डाल देंगे और जो हमें मसाला डालना है वो भी हम डाल देंगे। खान का ये साशे जो पैक है ये हम हाफ डालेंगे, अब आपकी इतनी मर्जी है आप कितना डालें। ये देखें ठीक है, और फिर हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें दही टमाटर ये जो सारा मसाला जाते हैं वो अच्छे से मिक्स। ये हमने सारा मसाले को हमने एक बॉल के अंदर निकाल लिया है, ये रोगन है और इस सारा हमने मसाला एक बॉल में निकाल लिया है। चाहे तो आप उसी डिक्ची में रहने दीजिए लेकिन हमने एक अलग बाउल में निकाल लिया क्योंकि हम जब तेल लगाएंगे तो हम दूसरी उसमें लगाएंगे। ठीक है, अब ये आलू है हम इसके अंदर ऐड करेंगे। हमें अब डिक्ची के अंदर ऑयल डाल देंगे इसके ही निकाल के, जो हमने मसाला बनाया हम उसका सिर्फ और सिर्फ ऑयल डालेंगे। अब हमने चावल बॉयल कर लिए हैं तो अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे थोड़े से। अब हम देख रहे हैं ये देखिए हम चावल डाल रही हूँ मैं, थोड़े डालेंगे हम। इसके बाद हम मसाला डालेंगे, अब हम इसके अंदर थोड़ा ही मसाला हम डाल देंगे, ऐड कर देंगे इसके अंदर। ये देखें, और हम फिर इसके अंदर चावल डालेंगे, ऐसे चावलों को सही से हम फैला देंगे। और फिर हम इसके अंदर दोबारा से हम तेल डालेंगे, देख रहे हैं आप। आलू डाले हमने सही से और जिसका थोड़ा सा ग्रीन का मसाला रह गया हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, हरा मसाला मैंने इसके अंदर ही मिक्स कर दिया था, इतनी जरूरत नहीं। ये हो गई तेल लग गई हमारी और अब हम चूल्हे को बंद कलर डाल लें इसके अंदर। ये देखें लाइटली हमने इसका असल में कलर डाल दिया है, जब अच्छे से कुछ देर के बाद डालेंगे जब हमारा धुआं निकल रहा। ठीक है, रेडी हो चुकी है हमारी बिरयानी, ये इसकी शक्ल है। ठीक है,